हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं नया क्वेश्चन का सीरीज बच्चों, जिसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। टॉपिक वाइज क्वेश्चन मैं अब नए सीरीज से डाल रहा हूँ, बहुत लंबे टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो ये जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है अभी यूट्यूब पे है नहीं, और ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगा, और आप इसको इंजॉय कीजिए। और नीट और IIT के जो आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन का, उसमें ज़रूर हेल्प मिलेगा आपको। तो इन सभी क्वेश्चन को देखिए और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से क्लियर कीजिए। तो इसमें सबसे पहले जो है वो सर्कुलर मोशन की हम मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके बाद धीरे धीरे और टॉपिक की वेब सीरीज स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, इतना ज़्यादा कि मच मोर देन सफिशियंट होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस ऑन ए रोटेटिंग टेबल जस्ट स्लिप। देखो, एक टेबल है और ये टेबल ओमेगा से घूम रहा है। तो ये जब टेबल ओमेगा से घूम रहा है, तो ये इस पे जो ऑब्जेक्ट है वो इस टाइप के सर्कल में ऐसे घूमेगा। बच्चों समझना, जब ये घूमेगा तो ये सर्कल में ऐसे घूमेगा और सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। और ये कह रहा है कि ये जो ब्लॉक है वो यहाँ से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, देयर आर 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज डबल, सपोज दैट कि ये टेबल है और इस टेबल की जो एंगुलर वेलोसिटी है, अगर मैं इस टेबल की एंगुलर वेलोसिटी इस एक्सिस पर रोटेशन हो रहा था बच्चों, इस वाले एक्सिस पर अगर मैं रोटेशन देखूं, तो इस पे अगर रोटेशन ओमेगा डैश चेंज हो गया, जो कि प्रीवियस का 2 टाइम्स ओमेगा है, तो अब कहता है कि ब्लॉक मान लो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर हो। जैसे मान लो ये जो डिस्टेंस है, स्ट्रिंग से अटैच नहीं है, देर नो स्ट्रिंग अटैच टू दी, तो ये ब्लॉक इस टाइप के सर्कल में मूव करेगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो आर डैश हो गया होगा, तो इस आर डैश की कितनी डिस्टेंस हो जैसे ब्लॉक स्लिप करे, ठीक है ना। तो स्लिपिंग डिस्टेंस हमें निकालना है बच्चों, कि जब मैं ओमेगा डबल कर दूंगा तब। तो सबसे पहले देखते हैं कि जस्ट स्लिप के केस में इस पर किस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पर जो फोर्स अगर देखोगे, इस ब्लॉक पे अगर फोर्स देखोगे बच्चों, तो इस ब्लॉक पे अगर फोर्सेज की बात करोगे तो कितने फोर्स लगेंगे बोलो। तो इस ब्लॉक पे जो है सबसे पहले नॉर्मल लगाएगा ये टेबल, ठीक है ना। उसके बाद एक वेट mg लगाएगी अर्थ, ये सर्कुलर मोशन फ्रेम में रोटेट कर रहा, तो सूडो फील करेगा mr ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि मैं इसी फ्रेम से इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं ग्राउंड से इस मोशन को देखूंगा तो मैं सूडो नहीं लगाऊंगा, मैं सेंट्रिपिटल लगाऊंगा, ठीक है ना। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, तो सेंट्रीफ्यूगल साथ साथ इधर फ्रिक्शन लगेगा, तो फ्रिक्शन यहाँ पर मैक्सिमम लगेगा, ठीक है ना। मैक्सिमम लगेगा क्यों, क्योंकि जस्ट स्लिप, और मैक्सिमम फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ जस्ट स्लिपिंग की केस में स्लिप करने वाला होगा, बाहर की साइड जाने वाला होगा, तो फ्रिक्शन इसे अंदर की साइड रोकेगा, बोलेगा कि मत जाओ। तो उस केस में बच्चों यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा और उसकी वैल्यू होती है म्यू एन के इक्वल होती है। लेकिन अगर ओमेगा कम है, कम इस ओमेगा कम है, जस्ट स्लिप से पहले है, तो फ्रिक्शन स्टेटिक लगेगा। तो ये ब्लॉक कहीं भी हो, ये वाली जो वैल्यू है ये तो क्या होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। आप ब्लॉक को कहीं भी रख दो, किसी भी लोकेशन पे आर रख दो, आर यहाँ 4 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर कर दो, 3 सेंटीमीटर, ये वाली तो वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर बैलेंस करने की, जस्ट स्लिपिंग के केस में अगर इक्विलिब्रियम देखोगे, तो एक्स एक्सिस में अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्स एक्सिस में नेट फोर्स 0 है, तो मैक्सिमम फ्रिक्शन पहले केस में किसको बैलेंस किया होगा, mr ओमेगा स्क्वायर को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नॉर्मल किसको बैलेंस किया होगा फर्स्ट केस में, mg को। तो ये दो इक्वेशन बने, और इन दोनों इक्वेशन से अगर मैं देखता हूँ कि ये वाली जो कौन ये वैल्यू वैल्यू है वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती ब्लॉक कहीं भी हो। तो अगर ये वैल्यू फिक्स है, तो यहाँ से देखोगे आर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, मतलब ओमेगा की अगर वैल्यू बढ़ा दोगे तो आर की वैल्यू स्लीपिंग डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। मतलब अगर पहले 4 सेंटीमीटर था, तो अब जो स्लीपिंग डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर से कम ही होगा। तो ये कभी सही नहीं हो सकता, ये भी कभी सही नहीं हो सकता, मतलब या तो ये सही है या तो ये सही है। तो एक्चुअली में कौन सही है एग्जैक्ट, तो दूसरे वाले केस को सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाले केस के लिए, केस टू के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूं बच्चों, केस टू, तो केस टू में क्या था, ओमेगा चेंज हो गया भाई, तो ओमेगा कितना चेंज हो गया देख लेते हैं, हाउ मच ओमेगा। तो यहाँ से फ्रिक्शन मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी m और r डैश और ओमेगा डैश का स्क्वायर।
तो आर डैश तो हमें चाहिए, आर डैश और ओमेगा डैश 2 टाइम्स हो गया पहले से ओमेगा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 4 टाइम्स एम आर डैश ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। तो ये जो थर्ड इक्वेशन है, क्योंकि एफ मैक्सिमम का भी चेंज नहीं होगा, वो ब्लॉक और टेबल के नेचर पर डिपेंडेंट है, तो इस वाले इक्वेशन को और इस वाले इक्वेशन को, ठीक है ना, अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी, आर डैश की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम इक्वेट कर देते हैं, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 4 टाइम्स एम आर डैश, और ये ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ने ओमेगा स्क्वायर को ख़त्म कर दिया और एम ने एम को ख़त्म कर दिया, और इस आर की वैल्यू पहले से ही 4 था, तो ये 4 और आर डैश, मतलब आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो जस्ट स्लीपिंग का जो केस होगा वो बहुत ज़्यादा कम कम हो जाएगा, और वो 1 सेंटीमीटर होगा। मतलब अगर आप ओमेगा डबल कर देते हो तो ब्लॉक को इधर 4 सेंटीमीटर के बजाय 1 सेंटीमीटर पर रखोगे, तब जस्ट स्लीप करने वाला होगा, ठीक है ना, और उस समय फ्रिक्शन क्या लग रहा होगा, लिमिटिंग, और जस्ट स्लीप नहीं करने वाला होगा तो जो अगर रेस्ट में है तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगेगा, और अगर जस्ट स्लीप करने के बाद स्लाइड करने लगेगा, बाहर की साइड जाने लगेगा, तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगने लगेगा। तो आई होप कि ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा ये सारा सिनेरियो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मुझे पूरी तरह से सपोर्ट कीजिए, और भी वीडियो चाहिए तो गूगल और यूट्यूब पे सर्च कीजिए कि सर्कुलर मोशन वेव सीरीज, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए।